हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक पुडिंग की रेसिपी लाई हूँ और ये पुडिंग मैंने घर के बिल्कुल बेसिक सामान से बनाई है और ये सिर्फ 3 कप दूध में ही बनकर तैयार हो गई है। तो इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो सामान आपके घर पर है आप उसी से इस पुडिंग को बना सकती हैं। तो इस पुडिंग रेसिपी के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन में 2 कप दूध लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है और 1 कप ठंडा दूध हम अलग से लेंगे और इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तो ये दूध बिल्कुल ठंडा है, आप ठंडे दूध में ही कॉर्नफ्लोर मिक्स करें, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पुडिंग को कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है और जो दूध हमने गर्म करने के लिए रखा था ये भी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम एक हाथ से दूध को चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपको ये स्टेप करने में परेशानी हो तो आप ठंडे दूध में ही कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर लें और उसको फिर गैस पर रखकर गर्म करें, पर उस कंडीशन में आपको दूध उबाल आने तक लगातार चलाते रहना होगा। तो यहाँ पर दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून चीनी डालूँगी। चीनी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे और फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर हम स्पून की बैक साइड पर फिंगर से एक लाइन बनाते हैं तो ये बन रही है, इसका मतलब हमारा कस्टर्ड तैयार है। हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ चाशनी रखी हुई थी, इसको मैं छान लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको थोड़ा लिक्विड कर लेंगे। अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून चीनी 1/2 कप पानी में डालकर उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें और जब चीनी घुल जाए तो गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दें। तो यहाँ पर आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं चाशनी में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और जो मैंने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था इसके ऊपर मलाई की एक परत जम गई थी तो मैं इसको विस्कर से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो उसको छान कर भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसको सिर्फ एक ही कलर से बनाना चाहती हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकती हैं। मैं इसके एक पार्ट में ग्रीन कलर और दूसरे पार्ट में ऑरेंज कलर मिक्स कर रही हूँ। अगर आप इसको 3 कलर का बनाना चाहती हैं तो इसके एक पार्ट को वाइट ही रहने दें। तो यहाँ पर मैंने इसमें दोनों कलर अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सर्विंग डिश में रस की एक लेयर लगा रही हूँ, जो चाय से खाने वाले नॉर्मल रस हैं मैंने वही लिए हैं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी शुगर सिरप डाल देंगे। इस टाइम शुगर सिरप थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि रस उसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके। अब इसके ऊपर हम ग्रीन कलर का कस्टर्ड डालेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद से इसके ऊपर कोई भी कलर का कस्टर्ड डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का कस्टर्ड डाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर रस की एक और लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर शुगर सिरप डालेंगे और फिर कस्टर्ड डालेंगे। इसी तरह हम सारे पुडिंग की लेयरिंग कर लेंगे। मैंने और भी कई पुडिंग की रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड करी हुई हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वो सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको वो पुडिंग कैसी लगी है। और अगर आप कोई और पुडिंग की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं पुडिंग की सिर्फ 2 ही लेयर लगा रही हूँ। अगर आप 2 से ज़्यादा लेयर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालकर इसकी फाइनल लेयर कर देंगे और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसकी डेकोरेशन हम सेट होने के बाद करेंगे, अभी इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह सेट हो गया है। इसको आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से या फ्रूट से जैसे भी आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम और काजू डाल रही हूँ और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है।
तो देखिए कितना अच्छा हमारी पुडिंग बनकर तैयार है। तो इस 15 अगस्त आप भी इस पुडिंग को अपने स्टाइल में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। तो देखिए इसका मैं एक पीस काट कर दिखाती हूँ, इसका पीस कितनी अच्छी तरह बाहर आ रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। कोई भी इसको ये नहीं बता पाएगा कि इसको आपने सिर्फ घर के कुछ ही सामान से बनाया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।